जय श्री कृष्ण। स्टार प्लस की यूट्यूब पेज पर आने के लिए आप सभी का बहुत 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 धन्यवाद। अपने फेवरेट शो देखने के लिए स्टार प्लस की यूट्यूब पेज को सब्सक्राइब करें और वो बेल आइकन को हिट करना मत भूलिए। ध्यान रखियो। ये रिश्ता क्या कहलाता है? अच्छा बताओ, तुम्हारी तबीयत अब कैसी है? सब ठीक है भाभी माँ। माँ, आज खाने में क्या बनेगा? मैं रसोई देख लेती हूँ। अरे अरे, तू आराम कर, मैं महाराज जी से कह दूंगी। रश्मि, जरा चल तो मेरे साथ, वो मुझे एक ऊपर का डिब्बा निकाल कर दे बेटा। चल। अच्छा। लो, प्रसाद लो। और डॉक्टर ने क्या कहा? अक्षरा, क्या हुआ? कुछ कह क्यों नहीं रही हो? डॉक्टर ने क्या कहा बेटा? वो माँ, क्या हुआ? चेहरा क्यों उतरा हुआ है तुम्हारा? बुखार है क्या? दिखाओ। नहीं, बुखार तो नहीं है। सुबह से ही तबीयत ढीली है तुम्हारी। ये तो अच्छा हुआ राजश्री बहन डॉक्टर के पास ले गई। क्या कहा डॉक्टर ने? अक्षरा, अच्छा हुआ आप आ गई। कैसी तबीयत है आपकी? कोई वायरल वगैरह तो नहीं है? नहीं नहीं, सब ठीक है। तो फिर अचानक से इतनी वीकनेस कैसे हो गई? वो डॉक्टर ने कहा है कि खून की कमी की वजह से मैं एनेमिक हूँ। क्या? आप अच्छे से खाएंगे पिएंगे नहीं तो यही होगा ना? हाँ, चेहरा देखो कितना पीला पड़ गया है इसका। बेटा, खुद का ध्यान रखना चाहिए ना। अब से मैं तुम्हारे खाने पीने का ध्यान रखूंगी। ये लड़की अपनी सेहत पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती। रश्मि और नंदिनी को भी मैं यही समझाती रहती हूँ, समय पे खाओ, अच्छा खाओ। ले मुन्ना, प्रसाद ले। मैं कहती हूँ राखी से नीचे। हर वक्त खेलना, पढ़ाई से दूर भागना। जब भी पढ़ने के लिए कहती हूँ इसके साथ खेलता रहता है। क्या जिम्मी पास कराएगा तुझे एग्जाम में? प्यार से समझाओ तो समझता नहीं क्या? मारू क्या तुझे? छोटी, क्या हो गया तुझे? बेचारे पे गुस्सा क्यों कर रही है? हाँ, चुप हो जा बेटा, चुप हो जा। पढ़ लेगा वो। हर बार अच्छे नंबरों से पास होता है ना, तो इस बार भी अच्छे नंबर लेकर आएगा। और वो समझता है क्यों अंशु? दीदी, आप इसे जानती नहीं है, दिन भर उस जिम्मी के पीछे घूमता रहता है। जनवरी में इसके एग्जाम है और अब तक इसने कोई पढ़ाई नहीं की। ये बात प्यार से आराम से भी तो समझाई जा सकती है ना छोटी? ऐसे डांटने से तो नहीं पड़ेगा। तो आपको इसमें मेरा ही दोष नजर आता है? क्या इसे पढ़ने कहती हूँ ये गलत है? वैसे मैं जो कुछ भी करती हूँ गलत ही तो करती हूँ। नहीं सुना ना, भाभी का वो मतलब नहीं है। किसका क्या मतलब है मैं अच्छे से जानती हूँ। जो कुछ भी कह रही हूँ अपने बच्चे से ही तो कह रही हूँ। क्या इतना भी हक नहीं है मुझे? छोटी, मेरा वो मतलब नहीं था। मैं सिर्फ ये कह रही थी कि अंशु को। दीदी, अब इन बातों पर बहस नहीं करना मुझे। मेरे बच्चे के लिए क्या सही है क्या गलत है वो मैं खुद देख लूंगी, किसी से जानने की जरूरत नहीं है मुझे। और तू यहाँ खड़े खड़े क्या देख रहा है? चल पढ़ाई कर ले। अच्छा अक्षरा, काम क्यों कर रही हो? मना किया था ना बेटा, सबने खाना खा लिया, तुम बैठो खाओ, भाभी माँ मैं बाद में खाएंगे। देखा भाभी माँ आपने, एक मिनट के लिए रसोई में गई कि बहू खड़ी हो गई। बैठो। ठीक है बहू, अच्छे से खाना और आराम करना, ऐसी कमजोरी आना अच्छी बात नहीं बेटा। आ छोटी दुल्हन, ऐसे ध्यान रख अपनी बहू का, जाके तबीयत ना खराब होनी चाहिए। अरे जाके उम्र क्या है अभी? अक्षरा सबका इतने अच्छे से ख्याल रखती है, बस अपना नहीं रखती। नहीं दीदी, ऐसा नहीं है। हाँ भाई, आजकल जरा अपना ध्यान रखो, ठंड बढ़ रही है।
छोटी दुल्हन, वो जो बेबे के लड्डू बनाए हैं ना, वो गरम करके इसे खिला। जी भाभी वाह, और आपने गुड़ की खीर भी तो बनाई है, वो भी दूंगी। माँ मैं वो तो अच्छे से खाएंगी, इन्हें बहुत पसंद है। लो बेटा, और ये है हरी सब्जी, डॉक्टर ने कहा है ना बेटा। भाभी मैं इतना सब नहीं खा पाऊंगी। क्यों नहीं, थोड़ा सा तो है, प्लेट खाली करके दिखाओ मुझे। हमारे घर में हो क्या रहा है? आप दोनों को हो क्या गया है? यह हम कई दिनों से देख रहे हैं, क्यों आप इतनी जल्दी बुरा मान जाती हैं? आपने सुनी यही छोटे की बातें? गुस्सा नहीं आएगा मुझे? अचानक से भाभी पर इतना गुस्सा क्यों आ रहा है आपको? भाभी को कितना बुरा लगा होगा, आप छोटी हैं, आपको उनका मन नहीं दुखाना चाहिए था। ये ठीक नहीं हुआ। आप नहीं समझेंगे। हम नहीं समझेंगे तो आप ही समझा दीजिए। देखिए शौर्य की मां, आप बड़ी हैं, आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि छोटी को किसी भी बात से नाराजगी ना हो। ये आपकी जिम्मेदारी है कि घर में शांति रहे और सबके बीच मेलजोल बना रहे। दुख तो मुझे इस बात का है कि छोटी ने मुझे पराया कर दिया। क्या अंजू मेरा कुछ नहीं लगता है? कैसे कर सकती है वो ऐसे? अरे तुझे चाहिए क्या? अरे भाग ना यहाँ से, क्यों परेशान कर रहा है मुझे? अरे छी 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 छी, अरे मारा पैर अशुद्ध कर दिया रे। अरे इस बावले के कारण ठंड में तो हाथ पैर धोने पड़े 10 बार मेरे को। चार बातें बुलवाई लेता मुझसे, हाँ नहीं तो क्या। चल जा ना यहाँ से, अब इस घर में शुद्ध अशुद्धता का किसी को ख्याल ही नहीं है। अरे शौर्य को तो अपनी पत्नी के नखरे उठाने से ही फुर्सत नहीं है, तेरे लिए क्या घर ढूंढेगा वो? अब तेरा प्रबंध मन नहीं करना पड़ेगा। बारी, मैं कब से आपकी राह देख रहा था। क्या हुआ? ये देखिए, इनमें से कौन सी मूवी देखना चाहती हैं आप? ये हॉरर, रोमांस, कॉमेडी, बताइए इनमें से कौन सी पिक्चर देखें आज? आपको कॉमेडी देखने का बहुत मन था ना? ये 2-3 मैं सीडीज लाया हूं, इनमें से ये पकड़िए। इस मूवी की काफी तारीफ कर रहे थे मेरे दोस्त, कह रहे थे इसे देखकर हंसते हंसते गिर गए थे वो लोग। क्या हुआ, आप क्या सोच रही? क्या लगता है आपने सुना ही नहीं मैंने क्या कहा? फिल्म देखनी है या नहीं? हाँ देखते हैं ना, यही वाली देखते हैं। आप खड़ी क्यों? आराम से बैठ जाइए, बैठिए। आपने दवाई ली? वो मैं खाने के बाद लेनी चाहिए थी ना, मैं देता हूं। अरे नजदीक आप रहने दीजिए, मैं ले लूंगी, आप परेशान मत होइए। ठीक है, मैं पानी देता हूं। Thank you.
क्या हुआ? आप अचानक से इतनी चुप क्यों हो गई? कोई टेंशन है क्या? नहीं, वो आज मुझे माँ के साथ मंदिर जाना था, लेकिन मुझे आने में देर हो गई तो वो अकेली ही चली गई। ओह, इसलिए आप इतनी टेंशन में लग रही हैं। जब से आप लौटी हैं, मैं खुद यही सोच रहा था कि आखिर बात क्या है। अक्षरा माँ समझती है, इनफैक्ट वो तो खुद कहकर गई थी कि वो चली जाएंगी, वरना आप और थक जाएंगी। और वैसे भी आपकी वजह से किसी को देरी नहीं हुई है। माँ तो पता नहीं आज क्या क्या निकाल कर बैठ गई थी। पता है, आज उन्होंने पुराना संदूक निकाल लिया जिसमें मेरे बचपन के खिलौने, कपड़े, फोटोज सब कुछ थे। निकाल कर देख रही थी। मैं तो काफी हैरान रह गया था कि अब तक उन्होंने ये सारी चीजें इतनी संभाल कर रखी। कहने लगे कि ये तेरे बच्चे पहनेंगे। जस्ट इमेजिन अक्षरा, हमारे बच्चे। लगता है माँ को बहुत जल्दी है, ये घर पोता पोतियों से भर जाए, लेकिन हमें तो नहीं है ना? क्या हुआ अक्षरा? नैतिक। हाँ, कहिए, क्या बात है? नैतिक, भाभी माँ, मैंने पंडित जी को कह दिया है पूजा के लिए। और महाराज जी से कह दिया ना कि प्रसाद के लिए अलग बर्तन इस्तेमाल करें? जी, बहुत तैयारियां करनी होंगी, लेकिन भाभी माँ, बहू से कहना रह गया, उसकी तबीयत खराब है ना, तो मैंने ही कहा जाकर आराम कर लेगी। हाँ, दिन भर की थकी होगी, इसीलिए ये भी नहीं पूछ पाई कि उसने मुन्ना से बात किया नहीं। पति पत्नी के बीच क्या बात होती है, पूछते हुए मुझे भी अजीब लगता है। कैसे पूछूं? देख, आज नहीं तो कल बहू खुद बता देगी। वैसे मुन्ना जब अपने बचपन के कपड़े देख रहा था तो मैंने उसे इशारा दे दिया है कि अब ये कपड़े तेरे बच्चे पहनेंगे। अब उसने कहा तो कुछ नहीं, पर मुस्कुरा रहा था। हाँ, और बहू के मन में मैंने बात डाल दी है, अब जो भी होगा बता देगी। हाँ, क्या हुआ? कुछ हुआ है क्या? घर में किसी ने आपसे कुछ कहा? आपकी तबीयत ठीक नहीं है, तो आखिर बात क्या है, बोलिए। क्या हुआ अक्षरा, आप रो क्यों रही हैं? आपको मेरी कसम, बोलिए क्या बात है? नैतिक, मैं क्या करूं? क्या हुआ है? आप पहले बैठिए, बैठिए। क्या हुआ अक्षरा? वो नैतिक, माँ ने मुझसे कहा कि अब हमें बच्चे के बारे में सोचना चाहिए। मैं आपसे ये बात कहना चाहती थी, लेकिन मुझे ये भी पता था कि आप क्या सोचते हैं, पर फिर भी मैंने सोचा कि मैं आपसे खुलकर बात करूं। मेरी तबीयत ठीक नहीं है ना, तो माँ मुझे डॉक्टर के पास ले गई थी। हाँ, और तो डॉक्टर ने कहा कि क्या कहा डॉक्टर ने अक्षरा, बोलिए। कहा कि अभी मेरा माँ बनना ठीक नहीं है, मुझे थोड़ा इन्फेक्शन है जिसे पहले पूरी तरह से ठीक करना होगा, और फिर मैं एनीमिक भी हूं, उसे भी नॉर्मल करना है। डॉक्टर ने कहा जब तक मैं नॉर्मल ना हो जाऊं तब तक हमें फैमिली प्लान नहीं करनी चाहिए। हाँ, तो बिल्कुल ठीक है ना, डॉक्टर ने अपनी एक्सपर्ट एडवाइस दी है, तो वैसे ही करेंगे, इसमें टेंशन क्या है? लेकिन माँ क्या सोचेंगी, कितना दुख होगा जब उन्हें पता चलेगा। अक्षरा, सबसे पहले तो आप रोना बंद कीजिए, इसमें रोने वाली बात क्या है?
मैं समझता हूँ, लेकिन इतनी टेंशन लेने से पहले आपने मुझसे कुछ कहा क्यों नहीं? मैं हूं आपके साथ, फिर आप अकेली नहीं है, जो भी कहना है करना है, हम साथ में ही करेंगे। ये सिचुएशन सिर्फ आपकी नहीं है, मेरी भी है, ओके? तो हम लोग आराम से सोचेंगे कि आगे क्या करना है। मैं माँ से बात करूंगा, माँ को आपकी तबीयत के बारे में पता नहीं था, इसलिए नॉर्मली उन्होंने कह दिया होगा, लेकिन अब जब हम उन्हें बताएंगे तो वो जरूर समझेंगे, और ये सब तो हो जाता है, इट्स नॉर्मल, ओके? और वैसे भी अक्षर, हम अपनी फैमिली कहाँ प्लान कर रहे थे? अभी तो हमें एक दूसरे को और अच्छे से समझना है, एक दूसरे के साथ वक्त गुजारना है। आपने अनुज और साक्षी को देखा था ना, शादी होते ही बच्चे हो गए, सारा ध्यान तो उनका बच्चों पर ही लगा रहता है, ना ही एक दूसरे के साथ समय गुजार पाते थे, ना ही बैठ पाते थे, ना ही बात कर पाते थे। शायद इसी वजह से कभी कभी एक दूसरे से खिंच भी जाते थे, उन्हें आपसी समझ का तो मौका ही नहीं मिला, और ये मैं बिल्कुल नहीं चाहता। अभी तो हमें एक दूसरे को और अच्छे से समझना है, अभी बच्चा, आप समझ रही है ना मैं क्या कह रहा हूं? ठीक कह रहा हूं कि नहीं? मुझे भी यही ठीक लगता है। देखा, जब हम दोनों की इच्छा एक है और डॉक्टर का भी यही कहना है, तो फिर आप इतनी टेंशन क्यों ले रही हैं? बेकार में ही रोके आप अपनी तबीयत खराब कर लेंगी। चलिए सो जाते हैं, बहुत देर हो गई, पिक्चर हम बाद में देखेंगे। चलिए। बैठिए। अरे नैतिक, आप आराम से लेट जाइए, मैं इसे रख देता हूं। लेट जाइए। आप रहने दीजिए, मैं लेटिए। चुप करके सो जाइए। ओम तुलसाए नमः। गोपी, मेरी मालिश के लिए तेल गरम कर दे, जोड़ों में दर्द हो रहा है, मैं बाहर जाकर बैठ गई। माँ, मैं कर देती हूँ आपकी मालिश। नहीं बड़ी बहू, गोपी कर देगी। सेठानी, मैं तेल गरम करके ले आती हूँ। माँ, बाहर ठंड है, मैं आपके लिए अदरक तुलसी की चाय बना देती हूँ। रहने दो, सुने, आज चाय का मन नहीं है, मैंने धनिया से कहकर गरम पानी और शहद मंगवा लिया, तुम लोग अपने लिए चाय बनवा लो। प्रसाद रखा है, ला दो जी। ये ठीक से करो। हेलो, मंडरू भाई साहब से बात करा मारी जी। किससे? मंडरू को बुला जी। आपने शायद गलत नंबर डायल किया है। सर बोल रहे हैं नौखेड़ा से। क्या नौखेड़ा? हाँ, मंडरू भाई साहब को बता देना, दीदी को गाड़ी में बिठा दिया है। देखिए, यहाँ कोई मंडरू भाई साहब नहीं रहते हैं, आप अपना नंबर चेक कीजिए। किसका फोन है? मुझे दे। नौखेड़ा से है क्या? हाँ, कौन है? हेलो, प्रोफेसर भाई साहब, राधे कृष्ण। गांव से किसी का फोन है? हाँ, मंडरू भाई साहब को बता देना, दीदी को गाड़ी में बिठा दिया है। हाँ, हम स्टेशन पर जाएंगे। बाकी
बाकी सब कुशल मंगल? सबको प्रणाम कहना, राधे कृष्ण। कौन आ रहे हो? है बाईसा आ रही है, बता रहे थे 9 बजे गाड़ी पहुंचेंगी, उन्हें लेने स्टेशन जाइए। के? ये अचानक से दीदी आ रही है? ये रिश्ता क्या कहलाता है? स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।